बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम लाइब्रेरी यूनानी और मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्ला। वो तो नाज़रीन, आज मैं लकोरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारी बच्चियाँ इस मर्ज में बड़ी मुबतला है, ये खट्टी चटपटी चीज़ें खा खा कर ये बचपन से ही ये खानी शुरू कर देती है। पापड़ दाल सीढ़ियाँ तो ये तबाह कर देती हैं बच्चियों को। जब जवान होती हैं तो बड़ा मसाइल का शिकार बन जाती है। तो लकोरिया के बारे में बात कर, तो ये लकोरिया बड़ी बुरी चीज़ है, औरत को खा जाता है। ये हमारी बच्चियाँ इसीलिए कमज़ोर होती हैं ज़्यादा, इनको लकोरिया का मसला होता है। तो सुचा सिप ले लें, पाँच तोला सुचा सिप पाँच तोला ले लें, एक पाव मक्खन ले लें गाय का ले लें भैंस का ले लें, उसके दरमियान ये रोगनी कुजी में गिलहमत कर दें, गिलहमत कर दें रोजी रोगनी कुजी को, उसमें ये आप एक पाव मक्खन के दरमियान ये सेप रख कर उसको छित्र में बंद करके संपट करके उसको 30 किलो आग दे दी। तो जब ठंडा हो निकालेंगे तो सेप कुछ तो होगा फूला हो, उसकी थोड़ी सी 10 मिनट रगड़ाई कर लें और डब्बी में डालकर महफूज कर लें। 2 रत्ती सुबह खाली पेट, यानी बड़े चने के बराबर, सफ़ेद चना जो होता है ना मोटा, उसके बराबर ये दवाई सुबह खाली पेट दूध से दें। 10 दिन दे दें, लकोरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल रेम की आवाज़ वहाँ निकल जाएगी, उसकी ये जो है सोजश सब ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ये लकोरिया ख़त्म हो जाएगा। शादीशुदा हज़रात, जब शादीशुदा लड़की हो तो उसके लिए उसको चाहिए कि 1 महीना हवा से परहेज करे, इंशाल्लाह ठीक हो जाए।